कैसे हो दोस्त लोग, आई होप आप लोग सब ठीक हो। द कॉर्निया इम्प्रेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग ने मेरा इसका पहला वीडियो देखा होगा जो है फरारी रोमा के ऊपर, जो एक जीटी कार है, तो आप लोग को मालूम पड़ा होगा कि जीटी क्या है, जीटी का मतलब क्या है इंग्लिश में। मैं आज बैठा हूँ मक्लारेन की नई जीटी कार में, द मक्लारेन जीटी। जीटी का मतलब है ग्रैंड टूरिंग। ये जो शब्द है ये यूरोपियन लोग ने बनाया था 1950 या 1960 के तकरीबन के आसपास, जब वो लोग महंगी गाड़ियां लेकर यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री अपने गाड़ियों में जाते थे। उसको कहते थे ग्रैंड टूरिंग। ये पैसे वालों और शौकीन लोग की आदत थी और है। तो मक्लारेन है जो ब्रिटिश सुपरकार मेकर है, उन्होंने अपने तौर तरीके से एक नई गाड़ी बनाई है, द मक्लारेन जीटी। मक्लारेन की जो गाड़ियाँ होती है यूजली वो होती है बहुत बहुत ही फोकस गाड़ी होती है, जैसे कि रेसिंग के लिए बनती है, रेस ट्रैक यूज़ के लिए बनती है। तो उन्होंने जो भी गाड़ियाँ बनाई हैं उनके एक ही फोकस रहा है कि उनको रेस ट्रैक पर लेके जाए और रेस ट्रैक पर वो कैसे और कितना अच्छा परफॉर्म करे। तो जीटी गाड़ी है जो मैं अब चला रहा हूँ, ये डिज़ाइन की गई है रोज़ चलाने के लिए, कंफर्टेबली आराम से आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आपको घर का सामान लेना है, जैसे कि घर के लिए शॉपिंग खरीद लेनी है, सुपरमार्केट जाना है, तो उसके लिए ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है कि आप जाके अपना सामान आराम से लेके आ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ आराम से घूम सकते हो। जो गाड़ियाँ ट्रैक के लिए डिज़ाइन की जाती है वो आम तरीके से बहुत ही रफ़ रहती है, उनका हैंडलिंग वगैरह बहुत रफ़ होता है, कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि उनका काम होता है कि रेस ट्रैक पे जाके अच्छे टाइम लेके आना रेस ट्रैक के ऊपर। और जब उनको हम नॉर्मल रोड पर लेके आते हैं, रेस ट्रैक वैसे काफ़ी एकदम स्मूथ होता है, उसमें कोई भी बम्प्स या ऊपर नीचे उठाव नहीं होता, एकदम स्ट्रेट और स्मूथ रोड होते हैं रेस ट्रैक के। तो जब आम रोड पर आते गाड़ियाँ ये सब, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। जो मक्लारेन के दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनका डिजाइनिंग इस तरीके किया जाता है जैसे कि वो रेस ट्रैक पर चले। तो जब उनको हम नॉर्मल रोड पर ले आते हैं तो वो उनका जो सेटअप होता है वो थोड़ा पैसेंजर और ड्राइवर के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर इस गाड़ी में वो नहीं है। कम्फर्ट वाइज देखा जाएगा तो ये आम तौर तरीके से दूसरे गाड़ियों के हिसाब से इतनी कम्फर्टेबल नहीं है, पर जो कि मक्लारेन स्पोर्ट्स कार बनाती है, सुपर कार बनाती है, उस रेंज में ये, उस कंपैरिजन में ये काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप इसको आराम से हाईवे पे चलाओगे तो आराम से चलेगी, कोई मुश्किल नहीं है, आपको तकलीफ़ नहीं आएगी, आपको झटके नहीं लगेंगे, एकदम स्मूथ रोड पकड़ कर चलेगी, आपको बहुत ग्रिप है और बहुत ही अच्छा सेंसेशन मिलता है जब आप गाड़ी को पुश करोगे या एक्सेलरेट करोगे। जो स्टीयरिंग व्हील, आपको इसमें से पूरा फीडबैक मिलता है कि कितना टर्न करे, कितना ब्रेक करे, क्या ग्रिप है गाड़ी का, रोड का कंडीशन क्या है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टीयरिंग कम्युनिकेट करता है। ये कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी को जब भगाते हो या स्पीड करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है या आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आपको गाड़ी से कितना परफॉर्मेंस और कितना पुश करना चाहिए गाड़ी को। तो ये सब गाड़ियाँ अगर आप ज़्यादा पुश करेंगे तो डेफिनेटली तकलीफ़ में आओगे, और हम नहीं चाहते कि आप तकलीफ़ में आए। मक्लारेन की खासियत है उनकी इंजन, और ये गाड़ी में जो इंजन है वो भी एक मास्टरपीस है। ये है एक ट्विन टर्बो V8 जो यहाँ पर पीछे है, एकदम लो मिड इंजन कार जो बोलते हैं, और पूरा उसका पावर जाता है रियर व्हील्स में। और कितना पावर है आप सोच सकते हो, 612 हॉर्स पावर, 612 हॉर्स पावर है इस गाड़ी में, करती है 0 to 100 इन 3.2 सेकंड, मतलब ये 0 to 100 3.2 सेकंड में कर सकती गाड़ी, इतनी तेज है। और पूरा ये पूरा पावर संभालता है एक 7-speed गियरबॉक्स, मतलब इसमें 7 गियर है। तो ये जो इंजन है ये है मेरे एकदम पीछे और बहुत ही लो है, तो इन्होंने ऐसी डिज़ाइन की है जैसे कि जो इंजन है बहुत लो बैठे ज़मीन की तरफ, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एरोडायनामिक्स बहुत ही अच्छा है गाड़ी का। जब इंजन इतनी लो है, इन्होंने ऊपर उसके इंजन के ऊपर स्टोरेज स्पेस और डिक्की बनाई है जहाँ पर आदमी अपना सामान स्टोर कर सके। तो उस तरीके से मक्लारेन ने बहुत सोच समझ के ये गाड़ी बनाई है कि जैसे कि आप रोज़ उसको चला सको, रोज़ आप उसका यूज़ कर सको और आपके लिए डेली ड्राइवर बन सके ये गाड़ी। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि आप गाड़ी से कनेक्टेड हो, आप और गाड़ी एक ही हो, ऐसे कभी नहीं लगता है ये गाड़ी में कि
गाड़ी अलग है और आप अलग हो। बात करते हैं इंटीरियर्स की। जो सुपरकार में इंटीरियर्स होते हैं कभी कभार उनका फिट और फिनिश ठीक नहीं होता, या उनके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होते हैं वो पूरे दूसरे ब्रांड्स की तरह नहीं होते, थोड़े अजीब तरीके से चलते हैं। ये ऐसे लगता है कि वो पूरी गाड़ी बना के ये सब बनाना भूल गए। तो मैकलारेन जीटी का इंफोटेनमेंट है बहुत ईजी है, बहुत आसान है इस्तेमाल करना, एकदम मोबाइल फ़ोन के टैबलेट की तरह है। मुझे तो लगता है एंड्रॉयड का ही फ़ोन यूज़ किया गया उन्होंने। ये आपका सेटिंग्स है, नेविगेशन है, एम्बिएंट लाइटिंग है, फ़ोन मीडिया वगैरह, होम बटन, एसी, सब बटन बहुत आसान है इस्तेमाल करने के लिए और काफ़ी इजी भी है। आपको जो चाहिए आप हटा सकते हो और रख सकते हो। बाकी इंटीरियर की बात करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पर ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स यहाँ पर है आपका, ये आपका हजार्ड लाइट है, ये लॉन्च कंट्रोल है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, ये दरवाजे खोलने के लिए है। पूरा इन्फॉर्मेशन बाकी जो है आपको डैशबोर्ड पर है या तो यहाँ पर मिलेगा। ये कंसोल जो है पूरा फ्लोटिंग कंसोल है, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है, मैकलारेन जीटी का लोगो है। अगर आप स्टीयरिंग देखेंगे तो एकदम क्लीन है, इस पर कोई बटन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली यहाँ पर पीछे आपके गियर लीवर्स है जो मेटल, असली मेटल के बने हुए हैं। आपका क्रूज कंट्रोल है, राइड हाइट लिफ्ट करने के लिए, जैसे कि कोई बम्प्स वगैरह आएंगे तो आप उसका सस्पेंशन रेज कर सकते हो जिससे उस ऊपर जा सके आसानी से बिना टच करे बॉटम को। तो उस हिसाब से बहुत ही फंक्शनल स्टीयरिंग है। इसका जो ऑडियो सिस्टम है बावर्स एंड विल्किंसन का, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही उम्दा साउंड सिस्टम है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखोगे ये लोगो भी इन्होंने मैकलारेन का लोगो के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। ये पूरा यहाँ पर आपके स्पीकर्स है, आप देखोगे तो ये पूरा यहाँ पर दो स्पीकर, एक यहाँ पर, एक ऊपर, एक नीचे और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने तीन स्पीकर लगे हुए हैं, तीन उस तरफ है, छः स्पीकर आपको डायरेक्ट साउंड देते हैं जो बहुत ही उम्दा साउंड है। मटेरियल्स उन्होंने यूज़ किए हैं काफ़ी अच्छे मटेरियल्स है, लेदर है यहाँ पर ऊपर स्वेड है, ये असली लेदर है और ये एनालाइन लेदर है जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और मुलायम लेदर है। तो ये लेदर आप अपने तरीके से कोई भी ऑप्शन वगैरह के हिसाब से, कौन सा रंग चाहिए, क्या स्टिचिंग चाहिए, किस तरीके से चाहिए आपको, आप सब चूज़ कर सकते हो। जो प्लास्टिक की क्वालिटी है गाड़ी में वो ठीक ठाक है, और इतने महंगी गाड़ी में प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतरीन होने चाहिए थे, टॉप नॉच होने चाहिए थे। ये यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो भी ओके है, यहाँ का जो प्लास्टिक है। कभी कभार यही होता है कि जैसे कि उन्होंने पूरा सोच गाड़ी के परफॉर्मेंस में डाल दिया और वे छोटे छोटे चीज़ें डिज़ाइन या बनाना भूल गए और उन्होंने बस जो मिला वो डाल दिया। मैकलारेन जीटी में तीन तरीके का ड्राइविंग मोड आता है, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड। ट्रैक मोड जो है वो रेस ट्रैक के लिए यूज़ की जाती है और आम रोड पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये दो नॉब है, लेफ्ट वाला जो है ये सस्पेंशन और हैंडलिंग के लिए बना गया है, और जो राइट वाला है ये गियर बॉक्स और इंजन के लिए बना गया है। जैसे देख सकते हो आप सी, एस और ट्रैक, इनके अल्फाबेट लिखे हुए जिससे कि आपको मालूम पड़े आप किस मोड पे हो। बट दबाओगे एक्टिवेट बटन, पूरी गाड़ी का हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, सस्पेंशन सेटअप पूरा चेंज हो जाता है और एकदम शार्प हो जाता है, और शार्प हो जाता है, और आपको मिलता है इंस्टेंट एक्सेलरेशन। उफ, ये V8 का जो आवाज है, जो साउंड है, बड़ा बेहतरीन है, और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उफ। आजू बाजू सबको खबर हो जाएगा कि आप आ रहे हो और आ रहे हो मैकलारेन जीटी के अंदर। क्या आवाज है और क्या गाड़ी है, क्या बेहतरीन गाड़ी है। जब गाड़ी ऐसी परफॉर्मेंस देती है आप उसके सब गिले शिकवे माफ कर सकते हो, सब चीज छोड़ सकते हो, सब चीज भूल जा सकते हो, क्योंकि जो आपको स्माइल मिलता है, जो आपको एंजॉयमेंट मिलती है, जो परफॉर्मेंस मिलती है वो दूसरे गाड़ियों से बहुत ही अलग है, बहुत ही रॉ सेंसेशन है। जैसे कि आप जुड़ गए हो, रोड और गाड़ी और इंसान तीनों जुड़ गए हो साथ में और आप एक हो गए हो। ये जो सेंसेशन है, ये जो फीलिंग है, बहुत कम ब्रांड या बहुत कम गाड़ियाँ ऑफर कर सकते हैं आपको। इंटीरियर, इंजन वगैरह, परफॉर्मेंस की तो बातें कर ली मैंने, पर आपको गाड़ी बाहर से दिखाई नहीं मैंने अभी तक। तो चलते हैं गाड़ी के बाहर और देखते हैं गाड़ी दिखती कैसे है, क्योंकि दिखने में भी ये गाड़ी वैसे काफी लाजवाब है। बात करते हैं लुक्स के बारे में। अगर आपने पहले
कोई भी मैक्लारेन देखी हो, आपको इंस्टेंटली मालूम पड़ जाएगा कि ये मैक्लारेन ही है या मैक्लारेन की गाड़ी है, क्योंकि जो उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। जितने भी उनके मॉडल हैं वो सिमिलर लगते हैं। और आप ये देखोगे तो यहाँ पर पूरा जो फ्रंट एंड है ये डिज़ाइन किया गया है फॉर्मूला वन की तरह एरोडायनामिक्स एफिशिएंसी के लिए। पूरा जो आपका साइड प्रोफाइल है ये भी डिज़ाइन किया गया है एक पानी के बूंद की तरह, जैसे कि पूरा जैसे हवा उसके बाजू में फ्लो होके बाहर निकले और गाड़ी एकदम मक्खन की तरह निकले हवा से। जो ये साइड वेंट्स है ये फंक्शनल है, मतलब इसके अंदर हवा जाती है इंजन कूल करने के लिए। ये भी बनाया गया है एरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए। तो जो ओवरऑल लुक है वो है पानी के बूंद की तरह, एरोडायनामिक्स और स्पीड के डिज़ाइन के लिए, वो परफॉर्मेंस के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आते हैं रियर के बारे में। जो रियर है यहाँ पर आप देखो कि छोटा सा डकटेल स्पॉइलर है। आजकल की गाड़ियों में पुराने ज़माने की तरह बड़े स्पॉइलर विंग्स वगैरह नहीं होते, काफ़ी मिनिमलिस्ट डिज़ाइन होते हैं और ये गाड़ी का डिज़ाइन भी वैसे काफ़ी मिनिमलिस्ट ही है। इनकी टेल लाइट्स बहुत खूबसूरत है, स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट है। अगर देखोगे तो ये एक स्पीयर की तरह भी, स्पीयर का हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, पर जैवलिन की तरह है। नीरज चोपड़ा जो जैवलिन फेंकते हैं उसका जो पॉइंट है उसकी तरह ही ये डिज़ाइन देखेंगे तो आप उस स्पीयर की तरह ही है। पुराने ज़मानों में जब लड़ाई झगड़े होते थे वो स्पीयर फेंक के एक दूसरे को मारते थे, वो जैवलिन स्पोर्ट भी उसी के बेसिस पे बनाया गया है और ये डिज़ाइन भी स्पीयर की तरह ही दिखेगा आपको। स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट है, मैक्लारेन लोगो है। और आइए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है चाबी इसकी। ये जो चाबी है बॉडी पेंट मैच होता है इस पर चाबी का, ये ऑप्शनल है। पर अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी का फ्रंट और बैक है। अगर आप फ्रंट दबाओगे तो आगे की डिक्की खुलेगी, पर अगर बैक पे क्लिक करोगे और उसको दबा के रखोगे तो देखो ये दुनिया का सबसे लंबा टेलगेट है। अगर आप देखोगे इसकी जो बॉडी है, एक और खासियत बता लेता हूँ, इसकी जो बॉडी है ये रिसाइकल कार्बन फाइबर से बनी है। कार्बन फाइबर एक बहुत ही टफ और हल्का मटीरियल, बहुत स्ट्रॉन्ग मटीरियल है, तो ये रेस कार जो होते हैं कार्बन फाइबर से बनते हैं। तो इन्होंने सेम टेक्नोलॉजी लेके इस रोड गाड़ी में बनाई है, वो भी रिसाइकल्ड है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसके नीचे पूरा इंजन है, तो इंजन नीचे और लो है पर इंजन गर्म हो जाती है, तो वो हीट मैनेज करने के लिए उन्होंने ये मिलिट्री से ये कपड़ा लिया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है जो हीट मैनेज करती है, मतलब गर्माहट से इंजन की गर्माहट को ऊपर आने नहीं देती है, तो ये पूरा एरिया टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। बहुत ही सोच लगाई है मैक्लारेन ने ये डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप ये देखोगे तो इसकी पूरा बूट आप जो है सामान रख सकते हो, इसके अंदर अपने बैग्स वगैरह रख सकते हो। अगर आपको स्पेशलाइज बैग चाहिए, जो टूमी लग्जरी बैग मेकर है वो आपको मैक्लारेन जीटी के लिए स्पेशल बैग बना के आपको दे सकता है, जो आप इसमें डाल सकते हो। इन्होंने हार्नेस वगैरह दी है जिसके अंदर आप सामान डाल सकते हो, आपका सामान हिल नहीं सकता। और अगर आप गोल्फ खेलते हो तो गोल्फ पूरी गोल्फ बैग भी आपकी आ जाएगी इसके अंदर। बंद करना भी बहुत आसान है और ऑटोमेटेड है, ये बटन दबाइए और ये बंद हो गया। ये आपको आगे का भी बता देता हूँ, ये मैंने आगे का बटन दबाया है और ये खुला है हमारा फ्रंक या फ्रंट। यहाँ पर भी डिक्की है, यहाँ पर भी आप सामान डाल सकते हो, हमारी कैमरा बैग यहाँ पर है, काफ़ी स्पेस है। और दूसरी यूनिक बात ये गाड़ी की आपको बता लेता हूँ कि इनके पास है डाईहीड्रल डोज। अभी इसका शब्द हिंदी का मतलब तो मुझे पूछो मत, ना मैं बोल सकता हूँ, शायद ये शब्द हिंदी में है ही नहीं। तो अगर आपको मालूम पड़े ज़रूर बताना मुझे डाईहीड्रल डोर्स, डाईहीड्रल दरवाजे, डाईहीड्रल का हिंदी शब्द क्या होता है मुझे बताना कमेंट्स में ज़रूर, क्योंकि मुझे जानना है। मुझे पता है हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी मेन लैंग्वेज है, पर जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो हम हिंदी इस्तेमाल नहीं करते थे, हमें लगता था कि हमें इंग्लिश ही बात करना है, कूल लैंग्वेज है। इंग्लिश बात करते 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 हम हिंदी भूल गए, तो एक समझ लो हिंदी ट्यूशन ले रहा हूँ मैं आप लोग से। तो ये है डाईहीड्रल डोर्स, दोनों ऊपर खुलते हैं, बड़े बेहतरीन दिखते हैं, बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं, गाड़ी का बहुत प्रेजेंस आ जाता है ये दरवाज़ों से। और जब भी दरवाजे खुलते हैं, अगर गाड़ी ऐसे खड़ी है तो कोई शायद देखे नहीं, नज़रअंदाज करे, पर जैसे ही इसके दरवाजे खुलते हैं सबकी नज़र इसी पे ही जाती है। पर बात करते हैं अब इसके प्राइस के बारे में। जो मैक्लारेन जीटी है उसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 4 से 5 करोड़ आएगी, डिपेंड करेगा आप कितने ऑप्शंस, क्या स्पेक वगैरह उसमें चूज करोगे, पर ये 4 से 5 करोड़ के प्राइस पॉइंट तक पहुंचेगी इंडिया में। ये प्राइस पॉइंट पे आपके पास में इंडिया में फरारी है, बेंटली है,
एस्टन मार्टिन है, तकरीबन जो दुनिया भर में अवेलेबल है सब सेम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इंडिया में भी, उनकी प्राइस भी तकरीबन 4 से 5 करोड़ के बीच में ही है। जो चॉइस आप बनाओगे ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का ड्राइविंग पसंद है, आपको थोड़ा रिलैक्स टाइप चाहिए या ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए या एकदम गाड़ी से जुड़ जाना और एकदम कंट्रोल में वाला ड्राइविंग चाहिए। अगर आप उस लेवल के कस्टमर हो और उस लेवल की गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो मेरी राय यह है कि पहले आप दूसरे ब्रांड से गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव कीजिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट ड्राइव नहीं करोगे आपको फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा कि मैक्लारेन, फरारी, बेंटली, एस्टन मार्टिन ये सब ब्रांड्स में गाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा है। सब फास्ट है, सब लग्जूरियस है, सब महंगी है, सबके पास में बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बेहतरीन चीज़ें हैं, बेहतरीन ऑफर है, बट जो तरीके का ड्राइविंग आपको पसंद आएगा वो आपको खाली टेस्ट ड्राइव के बाद में ही मालूम पड़ेगा। तो मेरी राय ये है कि अगर आप मैक्लारेन जीटी खरीदने वाले हो तो मैक्लारेन जीटी टेस्ट ड्राइव कीजिए, फरारी टेस्ट ड्राइव कीजिए, लंबोर्गिनी टेस्ट ड्राइव कीजिए, एस्टन मार्टिन, बेंटली, ये पांचों ब्रांड की गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सी गाड़ी बनी है। बट ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए वगैरह वगैरह, आपको पता है क्या करने के लिए। सो अगली बार मिलेंगे, अलविदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये इंग्लिश में ही देखना है तो वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बाय।